तो गाइस मैं कुछ ऐसी जगह पे पहुंच गया हूँ, देख सकते हो। और यहाँ का मौसम भाई साहब नज़ारेदार है यार, एकदम से। ये हैं पापा, इनको दिखाया हूँ, अभी दिखा के जस्ट वापस घर पहुँचा हूँ। और ये देखो टिन्नी पहलवान। तो गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हो सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम आर्यन शर्मा, आज मेरे जो तो गाइस रेडी तो हो गया हूँ, लेकिन रेडी तो एक नंबर है, लेकिन पसीना देखो, इतनी गर्मी है आज गाइस। ये देखो, ये अभी दवाई भी नहीं पी रहा, इसके लिए दवाई लाइए। और भाग रहा है, कुत्ते की तरह खांसी लगी हुई है इसके, देखो इस पे एक कुत्ता है। हे गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब मस्त होंगे, सब तंदुरुस्त होंगे, और होने भी चाहिए, एकदम फिट। और आज के दिन की मैं शुरुआत कर रहा हूँ पुरखू से, मतलब पुरखू जा रहा हूँ, अभी रास्ते में हूँ पापा को लेने, क्योंकि मॉर्निंग के बजे साथ उनकी 8 बजे की अपॉइंटमेंट है, उनको दिखाना भी है मुझे, और उनको वहाँ से लेके आना है, फिर वापस दिखा के वापस छोड़ना है उनको। तो फिर मैंने आज अपनी जो शिफ्ट थी वो मैंने चेंज की, दिन की रखी है, तो अभी जा रहा हूँ उनको लेने, लाता हूँ। और कल के दिन का कुछ जैसा मैंने ब्लॉग डाला था, आपने देखा होगा, वो कैसा लगा आप सबको वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैसा लगा है। और आज की कोशिश करूँगा कि हर दिन का मेरा ब्लॉगिंग ऐसी हो, कुछ अलग दिखाया जाए आपको हर चीज़ की। कोशिश तो बॉडी करता हूँ, लेकिन उस वजह से रह जाता हूँ, क्योंकि जॉब भी देखनी पड़ती है, उसके चलते फिर इंजॉयमेंट थोड़ा कम ही होता है हमारा। तो चलो, आई होप जितना कोशिश कर सकते हैं, जितनी कोशिश करेंगे तो देखो कैसा रहता है, और आज का दिन कैसा रहता है कैसा नहीं, अब वो तो मुझे भी पता नहीं होता, लेकिन जो भी होगा अच्छा होगा, देखो कैसा दिन निकलता है। तो चलो मिलते हैं अभी आपको पुरखू में, जुड़े रहिए आप ब्लॉग पे, बने रहिए, पूरा ब्लॉग एंड तक देखना कि कैसा दिन रहा मेरा कैसा नहीं। और सुबह सुबह का मौसम गाइस ऐसा है कि ठंडी हवा है, पेड़ देख सकते हो ऐसे ग्रीन ग्रीन, हर चीज़ मतलब मस्त मौसम है इस समय का, और इस मौसम में तो बाहर निकलना चाहिए यार। और सुबह की वाइब्स ही कुछ अलग होती है, मतलब मस्त वाली, और इन वाइब्स में तो नज़ारे कुछ अलग है यार, बहुत ज़्यादा सच में बाई गॉड। और यहाँ पे ट्रक से ब्रेजा को उतारते हुए एकदम से लाइन लगाई हुई है ब्रेजा की। तो चलो आपको मिलते हैं आप पुरखू में, क्योंकि रोड का काम भी लगा हुआ है, कुछ जगह पे ठीक हो चुकी है, कुछ जगह पे काम लगा हुआ अभी रोड का, और वो भी खतरनाक वाला, मतलब कई जगह पे तो पुल पुल पूरा पूरा उखाड़ दिया हुआ है, जैसे छोटी छोटी पुलियाँ हैं या पुल हैं उनको, जैसे ये वाला पुल था पहले यहाँ पे उखाड़ दिया, यहाँ पे सिंगल वे कर दिया। चलो अच्छी बात है, यहाँ से सिंगल वे करके अच्छी रोड बना दी है, पहले तो नीचे से जाना पड़ता था और टाइम लगता था, तो ठीक है सही। तो गाइस रोड बनेगी, साफ सफाई होगी, सब कुछ अच्छा रहेगा, हो जाएगा। तो चलो ट्रक भी सामने आ रहा है भाई, बच के चलना पड़ता है ट्रक वालों से, कि इन लोगों को नींद होती है, कोई पता नहीं कहाँ से कौन उड़ा के चला जाए, हर बंदे से बच के रहना चाहिए। और सुबह की देख सकते हो यार क्या मस्त मौसम है, और मुझे शीशा खोलना पड़ा है क्योंकि हवा ठंडी है, एसी लगाने की जरूरत ही नहीं है, कुमा है थोड़ा थोड़ा, ऐसे लग रहा है कि स्वेटिंग है, लेकिन ये मंथ होता ही वैसा है। तो ये लगा हुआ रोड का काम, तो गाइस मैं कुछ ऐसी जगह पे पहुंच गया हूँ, देख सकते हो। और यहाँ का मौसम भाई साहब नज़ारेदार है यार, एकदम से। यहाँ से मुझे अंदर होना है, ये आ गया। और ये गली है, इस गली में पहले तो डेवलपमेंट कुछ नहीं थी, अभी तो गाइस घर ही घर बन गए हुए हैं यार, हर साइड इस साइड देखो उसी साइड घर है, नए से नए वाले, एक से एक बढ़िया। ये वाली कोठी अब बनी है, पहले तो बिल्कुल नहीं होती थी, जब मैंने प्लॉट लिया था तब तो ये पूरा एरिया खाली था, तो
अभी का सीन ये रहता है कि अभी शायद ये गली भी पक्की होने वाली है। बिजली के पोल तो पहले भी लगे हुए थे, कुछ जगह पे नहीं लगे हुए थे, अब वो भी लग गए। ऐसा लग रहा है कि रात को कहीं बारिश हुई है, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत हुई है। तो ये घर है, चलो भाई साहब यहाँ से गाड़ी को बचा के निकालना पड़ता है यार। गाड़ी की भी जरूरत बहुत रहती है, लेकिन आराम से निकालेंगे तो ये भी चलेगी बेचारी, रोड भी क्या करेगा और गाड़ी भी क्या करेगी। अभी इसको मैं, इस गाड़ी को मैं पूंछ नहीं लेके जाता, क्योंकि इसलिए नहीं लेके जाता क्योंकि वो रोड थोड़ा बिल्कुल ही ख़राब है। लेकिन मुझे रूट जहाँ से चेंज कर जाता हूँ वहाँ पे ना 5-6 किलोमीटर है बीच में जो थोड़ी रोड ख़राब है, उस वजह से मैं लेके नहीं जाता इसको, क्योंकि ये मुझे जम्मू में बहुत ज़्यादा हेल्प देती है ये गाड़ी। तो उस वहाँ पे मैं कभी कहीं कोई लेके जाता हूँ, कभी कोई है तो रोड साफ है लेकिन कई जगहों पे लगता है। लेकिन अपनी बिल्ली और रानी को तो फिर वो नहीं कर सकते, निराश नहीं कर सकते। जाए ऐसे यही जाती है हर बार, क्या पता इस बार भी यही जाए। मूड तो इसी का है, क्योंकि इसको चलाने में मज़े कुछ अलग है यार, क्योंकि इसका स्टेयरिंग पावर स्टेयरिंग नहीं है, नॉर्मल स्टेयरिंग है, उस वजह से ये चलाने में बहुत स्मूथ लगती है और मज़ा आता है इसको चलाने में। और टायर चारों नए हैं और गाड़ी मैंने उठवाई हुई है ज़मीन से, और वैसे चलाने का मज़ा कुछ अलग है। तो ये आ गया दीदी का घर, ये सामने वाली गली में दूसरा मेरा प्लॉट आ गया। तो चलो पहुँच गए, पापा को लेते हैं तो फिर निकलते हैं। ये हैं पापा, इनको दिखाया हूँ, अभी दिखा के जस्ट वापस घर पहुँचा हूँ। और ये देखो टिन्नी पहलवान, इसको गमोरियाँ निकली हुई हैं, तो अब ये छुप रहा है। उठ जा, मैं जा रहा हूँ, उठ जा। और गैस गर्मी इतनी ज़्यादा है कि देखो कूलर, अब सुबह सुबह ही कूलर चल रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी है। को ना अब होश आई है मेरी कि मैं जाके पैर ही पोना करता। मैं सुबह आया, सुबह ये बात ही नहीं कर रहा था, कहता मैं, मेरे को व्लॉग में नहीं लिया आपने, अब आया इस मेरे पास ये स्थान। अब इसको दिखा कि व्लॉग मेरा बन रहा है, तभी मैं जाता हूँ आपके पास में। बोलना बोल दे, अरे बोल दे अब। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम आर्यन शर्मा, आज मेरे घर स्मित मामू आए हैं। आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, कल कमेंट में बताना मेरा ब्लॉग कैसा लगा। तो गाइस ज़रूर बताना इसका ब्लॉग कैसा लगा, कल ये देखना और इसको बताना कि कैसे लगेगा। ये खुद देखता है, डेली ब्लॉग देखता है, अगर आपने कमेंट नहीं किया तब भी ये देखता है, देखेगा किसने कमेंट नहीं किया, क्यों देखता है ना। हाँ तो चलो अभी पीते हैं पानी, निकलना है मुझे, ड्यूटी भी जाना है। तो गाइस अभी मैं वापस आ गया हूँ पापा को छोड़ के। तो गाइस गर्मी इतनी खतरनाक है यार, सुबह इतना अच्छा मौसम था, अभी बजे 9:30 और देख सकते हो, और इतना खतरनाक वाला मौसम है ना इस समय, गर्मी इतनी ज़्यादा है कि पूछो नहीं यार, क्या बोलूँ भाईगढ़, इतनी सुबह सुबह गर्मी कहाँ से आ गई यार। और मतलब मेरे 3 बार कपड़े गिल्ले हो चुके हैं, अब चौथी बार है कि अब मैंने AC लगाया मजबूर होके। तो अब गाड़ी में देख सकते हो AC चल रहा है। तो चलो घर पहुँचते हैं, नहाते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर निकलते हैं अपने ऑफिस के लिए। पहले शॉप पर जाना है, शॉप से होके फिर निकलते हैं ऑफिस के लिए। तो चलो घर में रेडी होके फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस रेडी तो हो गया हूँ, लेकिन रेडी तो एक नंबर है, लेकिन पसीना देखो इतनी गर्मी है आज। और अभी निकल रहा हूँ घर से, पर छन्नी कैसे पहुँचना है ये मुझे ही पता है। तो चलो निकलते हैं, माता रानी जी का नाम लेके दिन की शुरुआत तो सुबह से कर दी हुई है, अभी निकलते हैं ऑफिस के लिए, क्योंकि जाना ही पड़ेगा, क्या करना, नहीं जाएंगे तो दिन तो लगाना है। कल फिर से देखते हैं कल का क्या प्रोग्राम रहता है, लेकिन आज तो जाना ही पड़ेगा, अभी 12 बजे की शिफ्ट है। तो चलो निकलते हैं, बाइक पे जाना है मुझे, हेलमेट ले ली अपनी, तो मिलते हैं हम ऑफिस पहुंच के। तो अभी मैं निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए, देखो ये आ गया सुबह सुबह ही पंगे करने, मतलब इसको छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं स्कूल में, ट्यूशन में ही छुट्टियाँ पड़ी हैं, पता नहीं मैडम इसको क्या पढ़ाती है, वो इसको कुछ आता जाता है नहीं, बस फ़ोन लेके घूमता रहता है।
और अभी बाइक साफ़ कर रहा था, कहता मैं बाइक साफ़ करता हूँ मुझे जूठा दे पहले। इसको जूठा देना ही नहीं है मैंने आज, कल बड़ा जूठा कराया इसको शाम को मैंने। तो चलो निकलते हैं, कर दो बाय बाय। चल ठीक है, बाय बाय। तो वैसे भी दुकान से होके निकल गया हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए दुकान पे रुका नहीं ज़्यादा देर। और अभी लाइव के नीचे आ रहा हूँ, गर्म हवा की लू तो चल रही है, पसीने से पूरे कपड़े गिले हैं यार, क्या करें इस गर्मी का। और ऊपर से ट्रैफिक भी यहाँ भी तो कम है, पीछे जाम लगे हुए थे। अरे चाचा की बाइक तो बड़ा धुआं मार रही है यार। तो अभी तो मैंने वैसे बाइक इतनी तेज़ भी नहीं खींची है, नॉर्मल स्पीड से जा रहा हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और डर। जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। तो गाइस अभी पहुँचा हूँ ऑफिस, ऑफिस के अभी बाहर ही हूँ, अभी अंदर भी नहीं गया। और इतनी बुरी दशा है पसीने से आप देख सकते हो। और यार आज तो टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि हद से ज़्यादा। और चलो चलते हैं अभी अंदर और थोड़ी एसी की हवा खाते हैं, ये बहुत बुरी हालत है, पूरे कपड़े गीले हो चुके हैं पसीने से। करते हैं काम स्टार्ट, फिर मिलते हैं पूरी। तो गाइस अभी ऑफिस से ऑफ करके निकल गया हूँ क्योंकि दिन में मुझे टाइम मिला नहीं आज कोई व्लॉग करने का कुछ भी। तो अभी मैंने कहा चलो जाते जाते ही करते हैं। और गाइस अभी भी गर्मी बहुत है यार, मैं सुबह से गर्मी गर्मी करला रहा हूँ, लेकिन आज मैं गर्मी बोल रहा हूँ तो सारी दुनिया भी बोल रही होगी गर्मी कितनी आज। मेरे हिसाब से 47-48 डिग्री टेम्परेचर होगा। और अभी का ये रहता है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, उस वजह से भी गर्मी है। ट्रैफिक थोड़ी कम हो उस वजह से चलता है, लेकिन ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है। तो अभी का सीन ये है, अभी मैं ऑफिस से जस्ट निकला ही हूँ, अभी हुए 9:10 और तब भी देखो ट्रैफिक इस समय भी कितना है, क्योंकि लोग इसी समय भी निकलना बाहर पसंद करते हैं क्योंकि धूप नहीं होती, दिन में धूप खतरनाक होती है। और अभी बाइक चलानी भी थोड़ी रिस्की रहती है। ये पहुंच गए हम वे मॉल, तो कल एक गाइस जम्मू में शो भी है, देखते हैं उसका क्या रहता है स्टेटस। आ गया था दुकान पे, अभी हो गए फ्री, कर दी बंद। तो चलो निकलते हैं अपनी बाइक लेके, बाइक ये लगी हुई है, लेते हैं तो निकलते हैं घर की तरफ। और गाइस गर्मी आज तो बहुत ही ज़्यादा यार, इतना पसीने से कपड़े मेरे फिर से गीले हो गए। चलो पहुँचते हैं घर में, नहाते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर एसी लगाते हैं। तो गाइस निकल तो गया हूँ, लेकिन रात को इस समय अब जाके रोड खाली हुई है एकदम से, और अब थोड़ा सा मतलब मौसम चेंज हुआ है आधे घंटे पौने घंटे में, और थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि नॉर्मल सा टेम्परेचर डाउन हुआ है, लेकिन तब भी गर्मी तो है ही है यार। मतलब यहाँ पे बाहर होगी गर्मी ज़्यादा होगी, क्योंकि आपको पता है लैंडर वाले मकान होते हैं वो गर्म हो जाते हैं, वहाँ पर गर्मी रहेगी रहेगी। और यहाँ पर लाइट तो बंद है भाई इस एरिए में, अभी भी अंधेरा लग रहा है ऐसे। और इस समय जो नॉर्मल स्पीड होती है मेरी वो 45-50 के बीच में रहती है आने जाने की, क्योंकि पता नहीं होता कोई ये बीच में से कटआउट होते हैं उसमें से कोई निकल के सामने आ जाए, खा पी के पता कोई नहीं होता कौन आ जाए। तो देख सकते हो स्पीड 51 ही चल रही है मेरी। गाइस ये देखो, ये अभी दवाई भी नहीं पी रहा, इसके लिए दवाई लाइए। और भाग रहा है, कुत्ते की तरह खांसी लगी हुई है इसको, देखो इस पे एक कुत्ता है भाई, इस पे भी देख ले, इस पे देख ले कुत्ते की तरह खांसी, कुत्ते की तरह खांसी करो इसको अभी। चलो बैठ दो, बैठ बैठ दो, दो इसको मेडिसिन दो, दो इसको मेडिसिन। चलो चल चल पी पी, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी, फिर मैं चेंज करूँ कपड़े। चलो अब आई इसकी बारी, और टेंशन थल देखा। तो देखो गाइस ये देखो ड्रामे, इसके ड्रामे देखना, इसके ड्रामे देखना, ड्रामे देखना इसके। चल चल पी पी जल्दी कर, शक्ल दिखाना, अब शक्ल दिखाना, शक्ल दिखाना, शक्ल देखना, शक्ल देखना, शक्ल देखना इसकी, देखने वाली है शक्ल इसकी। ये अब मेरे को मारेगा क्योंकि इसको पकड़ के पिलाई है, ये भाग रहा था बाहर की तरफ। तो चलो चलो मैं चेंज करता हूँ, क्यों बंद करूँ मैं, क्यों बंद करूँ मैं, बंद करूँ मैं, क्यों बंद करूँ, शक्ल देखना इसकी।